वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है मेरी इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम क्या करने वाले हैं आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम फॉन्ट एडिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डार्क नाइट से, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा सेकेंड चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी। और इस वीडियो में जो हम बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सबसे पहले तो चलिए चाहिए होगा अच्छा सा बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लिया है, अब हमें क्या करना है देखिए। अब हमें सबसे पहले टेक्स्ट लेना है, मैं यहाँ पे जी लेता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो साइज़ थोड़ा छोटा करके, ठीक है, इतना रखता हूँ। और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, तो गाइस ये है। अब हमें इसे ब्लैक करना है और इसका स्ट्रोक वाइट रखना है, सॉरी गाइस, इसे हमें वाइट करना है और स्ट्रोक ब्लैक रखना है, ठीक है। फिर हमें इसकी शेडो पे जाना है, फिर ब्लर को पूरा ऑप्शन हटा देना, और यहाँ पे हमारा जी लेटर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। फिर इसको एज इट इज आपको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। अब आपको आगे का नाम ऐड करना है। चलिए गाइस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब आपको इसका कलर भी वाइट रखना है और स्ट्रोक का कलर ब्लैक रखना है। इसमें भी आपको शेडो लगानी पड़ेगी, जैसे कि गाइस हमने शेडो लगा लिया, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें कलर ग्रेडियंट में जाता हूँ, इसमें हम येलो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और नीचे का थोड़ा गोल्डन टाइप में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ठीक है, तो गाइस हम येलो वाला लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने लेंस लगा लिया है, अब हम इससे क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है गाइस। अब हमें सिंपली हमें ड्रॉ पे जाना है, फिर हमें इस फोटो को एज इट इज वो चाहिए। अब हमें अपनी फ़ोटो को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम फ़ोटो को चूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसमें हम फ़ोटो को चूज़ करेंगे, फिर देखिए अब हमें इसमें बैकग्राउंड हटाना है, ठीक है गाइस। सबसे पहले आप कटआउट पे जाइए, आउटलाइन में जाइए, आप सेलेक्ट कर दो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट करेंगे तो गाइस यहाँ पर हमारी फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है, कुछ कुछ बचा है पार्ट, तो उसे भी हम क्लियर कर ही लेते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आपको करना पड़ेगा, साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं ये हो गया हमारा एडिटर, ठीक है। अब हमें इसे एज इट इज इसे सेव कर लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है, अब हमें जाना है अपने पहले वाले जहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें जाना है ड्रॉ में, ड्रॉ में हम गए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन ऐड इमेज वेब टू इंसर्ट दिस इमेज, ओके गाइस। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको
बड़ा कर लेते हैं। अब हम पहले तो गाइस इसे थोड़ा सा करेंगे, ठीक गाइस। तो अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसकी ओपेसिटी कम करते हैं। ओपेसिटी हम कम करेंगे गाइस, ठीक है। फिर हमें इरेजर लेनी है, जूम करके अब हम इसे हटाते हैं। ऐसे हम प्लेस करते रहेंगे, रिस्टोर कर लेते हैं गाइस। जाके ओपेसिटी बढ़ा लेगा, गाइस थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, चलिए गाइस अब यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं लेकिन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है और फिर गाइस आपको इस पर जाना है, सेव करना है और ये इमेज सेव हो गई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और बचाइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा और बताइएगा आपको वीडियोस कैसे लगे, और मुझे इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाऊंगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।